Dear students, in this lecture, we will discuss about the substitution reactions in square planar complexes, and this is the part 3 in which we will discuss about the trans effect. तो इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट 3 स्टडी करेंगे और स्पेशली इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट. और ट्रांस इफेक्ट के बारे में आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांस इफेक्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करता है. तो यहाँ पर हम ट्रांस इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए ट्रांस इफेक्ट है क्या. सो ट्रांस इफेक्ट इज द लेबलाइजेशन. लेबलाइजेशन मीन्स दी एक्टिवनेस रिएक्टिवनेस. तो ये रिएक्टिवनेस है बढ़ाने का, रिएक्टिवनेस बढ़नी, इसको हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट. किसकी रिएक्टिवनेस बढ़ती है? लिगेंड्स की. लिगेंड्स की रिएक्टिवनेस बढ़ती है कहाँ पर? दैट आर ट्रांस टू सर्टेन लिगेंड्स that are known as spectator ligands which can be regarded as trans directing ligands. तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ligand ऐसे होते हैं जिनकी reactiveness increase हो जाती है अगर वो कुछ ऐसे ligands जिन्हें हम spectator ligands कहते हैं उनकी transposition पर हो. तो ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स. वो कैसे लिगेंड होते हैं? ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड. तो अपनी ट्रांस पोजीशन पर वो क्या करते हैं? लिगेंड की रिएक्टिवनेस को बढ़ाते हैं. मीन्स दे इंक्रीजेज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिगेंड्स दैट आर प्रेजेंट एट द ट्रांस पोजिशन टू द ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स. और ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड्स, क्योंकि ये नॉन लिविंग लिगेंड्स हैं और ये वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बने रहेंगे. जनरली ये जो ट्रांस इफेक्ट का फिनोमिना है ये कौन दिखाते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. और समटाइम्स ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी दिखाते हैं लेकिन बहुत कम. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? जनरली सिस इफेक्ट शो करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वन रिएक्शन. अब हम एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का जहाँ पर 3 Cl लिगेंड हैं और एक NO2 लिगेंड है. तो अगर इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कराएं NH3 के साथ तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं थियोरेटिकली. सो थियोरेटिकली देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो NH3 है ये कहाँ पर बाइंड हो सकता है? वो इस क्लोरीन एटम के जगह पर बाइंड हो सकता है. ठीक है, और वो इस क्लोरीन एटम के जगह पर बाइंड हो सकता है या फिर वो इस क्लोरीन एटम की जगह पर बाइंड हो सकता है. ओके, यहाँ आप देखिए इस प्रोडक्ट में, इसको हम कह रहे हैं सिस प्रोडक्ट, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि NO2 और NH3 एक दूसरे के सिस पोजिशन पर है. ओके, तो ये एक प्रोडक्ट बना सिस प्रोडक्ट. ये कब बना? जब NH3 कहाँ पर ऐड हुआ? इस वाले क्लोरीन सेंटर के ऊपर. ओके, और दूसरा प्रोडक्ट बना ट्रांस. ट्रांस कब बना? जब ये NH3 ग्रुप कहाँ पर ऐड हुआ है? जहाँ पर क्या है, जो क्लोरीन जो NO2 के ट्रांस पोजीशन पर है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये NO2 ग्रुप और जो NH3 ग्रुप है ये एक दूसरे के क्या है? ट्रांस पोजीशन पर है. तो ये एक ट्रांस प्रोडक्ट है और जहाँ पे NH3 और NO2 एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है तो ये क्या है? सिस प्रोडक्ट. ये थ्योरेटिकली प्रोडक्ट्स हैं बट एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ट्रांस प्रोडक्ट इज द स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन. तो उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जेट एट ऑल ने एक टर्म दिया. वो क्या दिया? ट्रांस इफेक्ट. तो ट्रांस इफेक्ट किसका होगा? एक स्पेक्टेटर लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट होगा. ठीक है, तो ये किसने दिया? जेट एट ऑल ने.
जो स्पेक्टेटर लिगेंड होता है उसको मैंने आपसे कहा कि उसको हम ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड भी कहते हैं। ये क्या करता है, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग लिगेंड एट द ट्रांस पोजिशन ऑफ इट। ये क्या करता है कि अपनी ट्रांस पोजिशन पर इनकमिंग लिगेंड को वहाँ पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। हम तीन तरीके से इसको इसकी टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं। एक हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट, या हम कह सकते हैं लेबलाइजिंग इफेक्ट, आपने देखा रिएक्टिवनेस को बढ़ाना, या फिर हम इसको कहेंगे ट्रांस लेबाइल इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को शो करने के लिए लिगेंड्स की एक सीरीज है, और इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिगेंड्स, आप जानते होंगे इनको, ये लिगेंड्स जो कि टॉप साइड में है सीरीज के, और ये कैसे लिगेंड्स हैं, दीज आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये कैसे लिगेंड हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, क्योंकि ये जो हैं इनके पास क्या होता है, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो कि पाई होता है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ये लिगेंड्स का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो बहुत हाई होता है। और जो यहाँ लोअर साइड में जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स कैसे होते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड्स। तो ये जो सिग्मा डोनर लिगेंड्स होते हैं इनका ट्रांस इफेक्ट बहुत कम होता है। तो ये सीरीज है, इस सीरीज के बेसिस पर ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो टॉप साइड पर हैं ये क्या शो करते हैं, दे आर गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स, और जो लेफ्ट साइड में है दे आर नॉट गुड, दे आर पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स। Now we will study the applications of trans effect. अब ये जो trans effect हम पढ़ रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो application हम देख रहे हैं, जनरली जो इसका application है वो synthesis में है। तो ऐसे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक cis and trans isomer अगर हम बनना देखें, platinum का complex है, तो उसके synthesis में trans effect को हम as a basis ले सकते हैं। तो उस basis पर हम cis and trans प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PtNH3Cl2, तो इसके दो आइसोमर क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी ट्रांस इफेक्ट। अब आप देखिए, ये अगर मुझे एक सिस प्रोडक्ट बनाना है तो मैंने कहाँ से शुरू किया, एक प्लेटिनम का 4 कॉम्प्लेक्स लिया, यानी PtCl4 2 नेगेटिव लिया, और इसकी मैंने किससे रिएक्शन कराई, देखिए NH3 से। जब NH3 से इसकी रिएक्शन कराई तो इन चारों में से कोई एक Cl जो है वो रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर जो रिप्लेस हुआ है Cl वो ये वाला Cl है, देखिए इसकी जगह पर यहाँ पर NH3 आ गया। अब आप देखेंगे कि अगर नेक्स्ट NH3 यहाँ पर ऐड होगा, आपने इससे पहले सीरीज देखी थी, कौन सी सीरीज देखी थी आपने, आपने ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज देखी थी, और वहाँ पर देखा था जो क्लोरीन होता है उसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट अधिक होता है, NH3 का कम होता है। तो अब कौन सा Cl रिप्लेस होगा, अब जो है या तो ये वाला Cl रिप्लेस होगा या ये वाला Cl रिप्लेस होगा जो NH3 के सिस में है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का, क्लोराइड का जो ट्रांस इफेक्ट है वो अधिक होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये NH3 ग्रुप कहाँ पर आ गया है, इस पहले वाले NH3 ग्रुप के सिस पोजीशन पर। तो क्या प्रोडक्ट मिल गया, सिस प्रोडक्ट हमें मिला। अब हमें क्या बनाना है, ट्रांस आइसोमर। तो अगर हमें ट्रांस आइसोमर बनाना है तो फिर हम कौन सा कॉम्प्लेक्स लेंगे, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स लेंगे। तो यहाँ पर हमने टेट्राएमीन प्लेटिनम आयन लिया है, और उसकी रिएक्शन किससे कराई, क्लोराइड से। तो हम जो देखिए रिएक्टेंट हैं वो हमने डिफरेंट लिए हैं, अगर सिस प्रोडक्ट बनाना है तो क्लोरो कॉम्प्लेक्स लिया है, और अगर ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है तो हमने अमोनिया कॉम्प्लेक्स लिया है। तो आप देखेंगे कि पहले जो Cl है वो किसी भी चारों में से कोई भी NH3 को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसने रिप्लेस किया है वो इस NH3 को रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया। अब जब Cl ऐड हो गया तो यहाँ पर दो तरीके के लिगेंड, एक तो Cl है और एक NH3 है। तो NH3 और Cl में से किसका ट्रांस लिगेंड अधिक है, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है, क्लोरीन का, क्लोराइड का। तो क्लोराइड के जो ठीक ट्रांस पोजिशन पर जो NH3 होगा, अब वो रिप्लेस
सॉरी जो NH3 नहीं रिप्लेस होगा, अब जो सी हाँ Cl के जो ठीक सामने जो NH3 होगा वो क्या होगा, रिप्लेस होगा, क्योंकि Cl का क्या है ट्रांस इफेक्ट अधिक है। तो आप देख सकते हैं Cl के ठीक सामने एक Cl और आ गया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिल गया, ट्रांस प्रोडक्ट। तो Cl एंड NH3 दे आर ट्रांस टू ईच अदर, और सिस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं NH3 दे आर सिस टू ईच अदर। तो अगर ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है देन वी हैव टू टेक द अमीन कॉम्प्लेक्स, अगर हमें सिस प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्लोरो कॉम्प्लेक्स लेंगे, और ये सब किस बेसिस पर कर रहे हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पर हम कर रहे हैं, क्योंकि क्लोराइड का जो ट्रांस डायरेक्टिंग जो नेचर है वो अमोनिया से अधिक होता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो भी सिंथेसिस में है, और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस एंड ट्रांस। ये देखिए अमोनिया नाइट्रो ग्रुप भी है, Cl2 भी है, तो इसका सिस एंड ट्रांस आइसोमर हम बनाने जा रहे हैं। इसमें तीन तरीके के लिगेंड्स आप देख सकते हैं, NH3, NO2 एंड Cl-। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट का ऑर्डर। तो इन तीनों लिगेंड्स में से जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा किसका है, NO2- का, फिर किसका होता है Cl- का, फिर किसका है NH3 का। तो सबसे कम जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है इन तीनों में से वो किसका है, NH3 का। अब फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स लिया वो प्लेटिनम का क्लोरो कॉम्प्लेक्स लिया है, इसकी जब NH3 से रिएक्शन कराई तो चारों में से किसी भी क्लोराइड ग्रुप जो क्लोराइड है इसको ये रिप्लेस कर सकता है, तो इसने एक क्लोराइड को रिप्लेस किया। नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन कराई है NO2- से कराई है, और NO2- से अगर हमने रिएक्शन कराई है तो ये आप देखेंगे NO2- कहाँ पर जाएगा, NH3 और Cl में किसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है, Cl का, आप देख सकते हैं। तो या तो ये वाला क्लोरीन जो कि NH3 के सिस में है, या ये वाला क्लोराइड जो NH3 के सिस में है, तो केवल ये दोनों क्लोराइड ही क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, क्योंकि NH3 के जो सामने जो क्लोराइड है वो यहाँ पर क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट अधिक है, तो ये वाला क्लोराइड तो रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि NH3 का ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है, तो इसलिए कौन रिमूव होगा, उसके सिस पोजीशन वाले, और यहाँ पर जो रिमूव हुआ कौन सा रिमूव हुआ है, ये वाला Cl। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NO2 आ गया है और उसके सिस पोजीशन पे क्या थी, NH3। तो ये सिस पोजीशन हमें क्या मिल गया, एक सिस कॉम्प्लेक्स ऑप्टेन हुआ। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने अगेन टेट्राक्लोरो जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स लिया है, प्लेटिनेट लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पहले हमने अब जो लिगेंड्स को ऐड करने का जो क्रम था वो बदल दिया है। तो यहाँ पर हमने NO2- की रिएक्शन पहले कराई, अगर हमें ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए तो हमने NO2- की रिएक्शन पहले कराई, और ऊपर जो रिएक्शन है वहाँ पर हमने पहले NH3 की रिएक्शन कराई, देन वी हैव रिएक्टेड द NO2-। तो देखिए क्या हुआ, जब हमने NO2- ऐड किया तो क्या हुआ, NO2- किसी भी एक पोजीशन पर ऐड हो जाएगा किसी भी Cl को रिप्लेस करके। अब जो सेकंड NH3 लिगेंड वी विल ऐड, तो अब हम जानते हैं कि NO2 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोराइड से भी ज़्यादा है, तो NO2 जुड़ गया है, मतलब अब अगर कोई Cl रिप्लेस होगा तो वो NO2 के ठीक ट्रांस पोजीशन वाला, क्योंकि NO2 का जो ट्रांस जो इफेक्ट है वो सबसे अधिक है, तो NO2 के ठीक सामने वाला जो क्लोराइड है वो रिप्लेस होगा और यहाँ पर NH3 ऐड हो जाएगा, सो दैट वी विल गेट दी ट्रांस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट। तो एक तो हम कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स को चेंज कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर हमने क्या किया, जो ऑर्डर है लिगेंड को ऐड करने का वो चेंज किया, उसको चेंज करने से क्या हुआ कि जो ट्रांस इफेक्ट है लिगेंड्स का वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। अब एक और कॉम्प्लेक्स वी विल सिंथेसाइज, वन मोर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो लिगेंड है इनमें से किसका ट्रांस इफेक्ट अधिक है, उस अकॉर्डिंग देन वी कैन प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये किसका ट्रांस इफेक्ट अधिक है, PR3 का ट्रांस इफेक्ट Cl- से अधिक होता है। सो आई विल राइट PR3 विल हैव
more trans effect than Cl minus. So if we know this, then we can easily prepare cis or trans isomer of this compound. तो यहाँ पर देखिए पहला जो कंपाउंड हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड. तो यहाँ पर हमने टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट लिया, उसकी रिएक्शन PR3 से कराई. तो एनी ऑफ द Cl वो रिएक्ट कर सकता है, Cl को रिप्लेस कर सकता है, और यहाँ पर ये PR3 यहाँ पर ऐड हुआ. देन आप जानते हैं कि इस PR3 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोराइड से अधिक होता है. तो नेक्स्ट जो PR3 है वो कहाँ जाएगा, ठीक ट्रांस पोजिशन पर PR3 के, क्योंकि PR3 का ट्रांस इफेक्ट अधिक होता है क्लोराइड से. इसलिए ये जो नया PPR3 है वो कहाँ पर जाएगा, पुराने वाले PPR3 के जस्ट ट्रांस पोजिशन पर. सो वी विल गेट दी ट्रांस आइसोमर. हमें क्या मिलेगा, ट्रांस आइसोमर मिलेगा. नाउ सी द सेकेंड वन. अब आप सेकेंड वन को देखिए, यहाँ पर अगर हमें सिस प्रोडक्ट चाहिए तो हमने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लिया है जहाँ पर चारों लिगेंड्स क्या है, PR3. सो ऑल द लिगेंड्स आर PR3. फॉस्फिन लिगेंड है ये. अब हमने इस PR3 लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड ऐड किया. तो क्लोराइड ऐड किया तो क्लोराइड क्या करेगा, किसी भी PPR3 को रिप्लेस कर देगा. तो यहाँ पर यहाँ ये क्लोराइड एटम आयन जुड़ गया. ओके, नाउ सेकंड क्लोराइड कहाँ पर जुड़ेगा. अब हम जानते हैं कि PR3 है उसका जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो Cl- से अधिक है. तो ये जो PR3 है, PR3 जो इसके ट्रांस में, वो तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं देगा क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट PR3 से कम होता है. इसलिए ये वाला PR3 तो रिप्लेस नहीं होगा. कौन से PR3, ये वाला PR3 और ये वाला PR3 जो कि सिस पोजीशन पर हैं, ये सब्स्टिट्यूट होंगे. इसलिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सिस प्रोडक्ट. क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहाँ पर ये जो Cl आया है वो इस पोजीशन पर आया है इस वाले PR3 को हटाकर. तो हमें क्या मिल गया, एक सिस प्रोडक्ट मिला. तो हम इस एप्लीकेशन को यानी ट्रांस इफेक्ट को अप्लाई करके वी कैन प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ आइसोमर. वी कैन प्रिपेयर सिस आइसोमर, वी कैन प्रिपेयर ट्रांस आइसोमर. हम क्या कर सकते हैं, जो शुरू का जो दो इनकमिंग जो रिएक्टेंट है, द फर्स्ट रिएक्टेंट कैन बी डिफरेंट और द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द लिगेंड कैन बी डिफरेंट. Now we are going to synthesize the isomers, different isomers of this complex. यहाँ पर आप देखेंगे there are four kind of ligands, NH3, PY, Cl and Br-. तो यहाँ पर पहले we have to know the trans directing order of these ligands. So among these ligands, Br- is having the highest ट्रांस इफेक्ट इन NH3 विल हैव द लोएस्ट वन. तो इस बेसिस पर वी कैन रीअरेंज द एडिशन ऑफ लिगेंड्स. हम क्या कर सकते हैं, लिगेंड्स के एडिशन को रीअरेंज करके डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बना सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट जो रिएक्शन शो करी है यहाँ पर प्लेटिनम का क्लोरो कॉम्प्लेक्स, सब में क्लोरो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ लिगेंड जो है वो चेंज कर दिया. यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन कराई है वो NH3 की कराई है. तो NH3 की अगर रिएक्शन कराई तो NH3 इन चारों क्लोराइड में से किसी एक को रिप्लेस करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा. अब कौन ऐड होना है, अब हम दूसरा जो नंबर आया वो Br- का आया. सो दिस Br- विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ दीज क्लोराइड्स, जो क्लोराइड इस NH3 के सिस में है. क्योंकि आप ये देखेंगे कि NH3 और Cl में Cl का ट्रांस इफेक्ट अधिक होता है, इसलिए ये क्लोराइड तो रिप्लेस नहीं होगा. कौन सा क्लोराइड रिप्लेस होगा, जो NH3 के सिस में है वो कोई रिप्लेस होगा. तो एक क्लोराइड जो रिप्लेस हुआ वो ये वाला हो गया. ठीक है, पहले ये वाला क्लोराइड रिप्लेस हुआ, फिर सेकेंड स्टेप में कोई भी रिप्लेस हो सकता था, चाहे ये वाला या ये जो सिस है, बट ये वाला क्लोराइड हमने रिप्लेस करके दिखाया है ब्रोमीन से. अब आप देखिए थर्ड जो लिगेंड हमने यूज़ किया वो था पायरीडीन.
ओके, अब पाइरिडीन को किसी क्लोराइड को रिप्लेस करना है, तो कौन से वाले क्लोराइड को ये रिप्लेस करेगा? फॉर दैट पर्पज वी हैव टू चूज द लिगेंड जिसका ट्रांस इफेक्ट अधिक होगा. अब देखिए ब्रोमाइड और NH3 में से किसका ट्रांस इफेक्ट अधिक है? ब्रोमाइड का. तो अगर ब्रोमाइड का ट्रांस इफेक्ट अधिक है तो जो ब्रोमाइड के ट्रांस में जो क्लोरीन होगी, क्लोराइड होगी, उसको ये पाइरिडीन रिप्लेस करेगा एंड देन दिस काइंड ऑफ आइसोमर विल बी फॉर्म. देखिए ब्रोमाइड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? पाइरिडीन. नाउ टू फॉर्म द सेकेंड आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, दूसरा आइसोमर बनाने के लिए हमने क्या किया? पहली जो रिएक्शन कराई वो पाइरिडीन से करा दी. पहली रिएक्शन में हमने NH3 से कराई थी, फिर Br- से, फिर Py से. यहाँ जो पहली रिएक्शन है वी हैव डन विद दी Py, तो Py इन चारों क्लोराइड में से किसी को रिप्लेस कर लेगा. तो यहाँ पर इसने किसको रिप्लेस किया? इस क्लोराइड को रिप्लेस किया. सेकंड जो जो लिगेंड है हमारा ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड क्या करेगा? अब Py और Cl को अगर हम देखें तो यहाँ पर Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है वो अधिक है, इसलिए ये वाला Cl रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि इसके ट्रांस में जो Py है इसका ट्रांस इफेक्ट इज लेस देन क्लोराइड. सो ये क्लोराइड या ये क्लोराइड, इन दोनों में से कोई क्लोराइड रिप्लेस होने वाली है. और यहाँ पर जो रिप्लेस हमने दिखाई है वो ये वाली क्लोराइड दिखाई है. यहाँ पर देखिए ब्रोमाइड आ गया. अब तीसरा जो लिगेंड हम ऐड करेंगे वो होगा NH3. तो NH3, व्हेन वी ऐड NH3, अब देखिए NH3 इन दोनों Cl में से किसी को रिप्लेस करेगा. किसको करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दीज टू, ब्रोमाइड एंड पाइरिडीन. तो अब आप देखिए ब्रोमाइड का ट्रांस इफेक्ट पाइरिडीन से अधिक है, तो ब्रोमाइड के जो ट्रांस में जो क्लोराइड है दैट विल रिप्लेस दिस टाइम, इसलिए ये रिप्लेस होगी. और आप देख सकते हैं NH3 जस्ट Br के अपोजिट में आ गया, जबकि ऊपर वाले अगर प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो Br के अपोजिट कौन था? पाइरिडीन. सो दीज टू आइसोमर्स आर एंटायरली डिफरेंट, इसलिए ये दोनों आइसोमर बिल्कुल अलग हैं. तीसरी रिएक्शन को अगर हम देखें तो आप देखेंगे अगेन हमने क्लोरो कॉम्प्लेक्स लिया है. अब इसकी रिएक्शन पहले हमने 2-pyridine लिगेंड से करा दी. 2-pyridine लिगेंड्स को पहले हमने एक्ट कराया है, तो ये 2-pyridine 2-chlorine को रिप्लेस कर लेंगी, 2-chloride को. ये 2-chloride रिप्लेस हुई हैं क्योंकि पहला क्लोराइड रिप्लेस होगा, देन वो पाइरिडीन आ जाएगा, देन जो क्लोराइड है उसका ट्रांस इफेक्ट पाइरिडीन से अधिक है, इसलिए ये क्लोराइड रिप्लेस नहीं होगा. क्लोराइड जो रिप्लेस होगा वो इस पोजीशन पर होगा Py के, तो या तो ये वाला क्लोराइड रिप्लेस होगा या ये वाला क्लोराइड. तो यहाँ पर हमने दिस क्लोराइड हैज बीन रिप्लेस, सो 2Pi विल एडेड इन दिस सिस पोजीशन. नाउ वी हैव चूजन द NH3. अब हमने किससे रिएक्शन करवाई? NH3 लिगेंड से. तो NH3 लिगेंड जो रिएक्ट करेगा वो देखिए इन दोनों क्लोराइड में से किसी एक को रिप्लेस करेगा, क्योंकि पाइरिडीन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो NH3 से अधिक होता है. तो ये पाइरिडीन के ट्रांस में ये क्लोराइड है और इस पाइरिडीन के ट्रांस में ये क्लोराइड है, तो इन दोनों क्लोराइड में से कोई एक क्लोराइड रिप्लेस होगा और हमने ये क्लोराइड को रिप्लेस किया है NH3 से. ठीक है, नेक्स्ट अब हम रिएक्शन करेंगे ब्रोमाइड की. नेक्स्ट रिएक्शन ब्रोमाइड से जब होगी तो अब देखिए ब्रोमाइड कहाँ पर ऐड हो इसके लिए हमें इन लिगेंड्स का ट्रांस इफेक्ट देखना होगा. एक है NH3, एक है पाइरिडीन और एक है क्लोराइड. तो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है? देखिए क्लोराइड का, फिर किसका है? पाइरिडीन का, फिर किसका है? NH3 का. तो हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट किसका है? क्लोराइड का. इसलिए अब कौन रिप्लेस होगा? जो क्लोराइड के ट्रांस पोजीशन पर जो पाइरिडीन होगी, सो दिस पाइरिडीन विल रिप्लेस विद दी ब्रोमाइड. तो यहाँ पर क्या आ गया? क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट अधिक था, सो दिस the pyridine present at the trans to the Cl that will be replaced by the bromide and this product will be formed. तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल different product है. bromide के trans position पर Cl है, यहाँ पर bromide के trans position पर NH3 है और यहाँ पर bromide के trans position पर pyridine है. it means these three आइसोमर्स दे आर एंटायरली डिफरेंट. तो हम कैसे बना सकते हैं? हम इनको बना सकते हैं बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इनकमिंग लिगेंड्स.
The other application of trance effect is that this trance effect is helpful in distinguishing in between cis and trans isomers. तो ये जो ट्रांस इफेक्ट है ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स प्लेटिनम के A2X2 टाइप कॉम्प्लेक्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल होता है और इस टेस्ट को वी कॉल्ड एज कुर्नाकाउ टेस्ट. ये कैसा टेस्ट है? इस टेस्ट का नाम है कुर्नाकाउ टेस्ट. तो इस टेस्ट की हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ PTA2X2. ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले वी आर यूजिंग थ्री काइंड ऑफ लिगेंड्स. वन इज थायूरिया एंड अदर इज Cl- एंड द थर्ड वन इज NH3. सो ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ थायूरिया ammonia and chloride will be like this, that thiourea will have the maximum trans effect, then chloride, and then NH3. So NH3 has the lowest trans directing effect among these three ligands. Now there are two types of complexes. So this is the cis complex and this is the trans complex. So how these two complexes, they can be distinguished by using the trans effect. Okay, तो कैसे हम इनको distinguish कर सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो cis ligand है, in this these two NH3 groups can become labelized, they can be easily substituted due to the good trans effect of these chlorides. In chlorides ki trans effect ki wajah se ye jo NH3 molecules hain ye easily displace ho sakte hain. तो firstly आपने ये देखा कि ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं पहले ये रिप्लेस होंगे क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट क्या है, अधिक है. तो ये जब थायूरिया से हम रिएक्ट कराएंगे इसकी, तो ये थायूरिया रिप्लेस करेगा अमोनिया मॉलिक्यूल को. देन फर्दर दिस थायूरिया मॉलिक्यूल, बिकॉज आपने देखा जो थायूरिया है उसका ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड से अधिक होता है, अब क्या होगा, जो क्लोराइड है वो क्या हो जाएंगे, लेबलाइज हो जाएंगे थायूरिया की वजह से. थायूरिया का ट्रांस इफेक्ट अधिक है तो ये थायूरिया इस क्लोराइड को भी रिप्लेस कर देगा जो उसके ट्रांस में है. इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दो थायूरिया आ गई. तो पहले तो अमोनिया रिप्लेस होगा, देन क्लोराइड विल रिप्लेस ड्यू टू दी हाई ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ थायूरिया, एंड देन वी विल फाइंड अ प्रोडक्ट वेयर ऑल द फोर लिगेंड्स बिकम थायूरिया. तो अगर वो एक सिस प्रोडक्ट होगा तो वो थायूरिया से रिएक्ट करके कम्प्लीटली चारों लिगेंड्स को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा थायूरिया से. नाउ सी द ट्रांस लिगेंड. अब आप देखिए ट्रांस कॉम्प्लेक्स. सो इन केस ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं कि NH3 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो सबसे कम है. सो देर आर टू क्लोराइड्स, दे आर द ट्रांस एट द ट्रांस पोजिशन टू ईच अदर. तो जो Cl- है उसका ट्रांस इफेक्ट अधिक है. सो वेन थायूरिया रिएक्ट विद दिस कॉम्प्लेक्स तो एक Cl क्या होगा, रिप्लेस होगा. तो देखिए यहाँ पर जो Cl रिप्लेस हुआ है, ये वाला Cl पहले रिप्लेस हुआ, देन यहाँ पर क्या आ गया, थायूरिया. अब थायूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोराइड से अधिक है, तो फिर ये क्लोराइड भी रिप्लेस हो जाएगा थायूरिया से. तो दोनों थायूरिया यहाँ पर ट्रांस पोजिशन पर ऐड हो जाएंगे. तो आप ये देखेंगे इन केस ऑफ ट्रांस थायूरिया ट्रांस कॉम्प्लेक्स, अ कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड वेयर ओनली टू थायूरिया दे आर प्रेजेंट एट द ट्रांस पोजिशन टू ईच अदर. So in this way we can distinguish the cis and trans isomer with the help of Kurnakov test. आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, जो cis product है उसमें all the four ligands they are replaced by thiourea, चारों ligand thiourea से replace हुए, जबकि एक trans ligand में केवल दो chloride
जो जो लिगेंड्स थे वो रिप्लेस हुए थाई यूरिया से। तो ये डिफरेंस है जो कि कॉर्नाकोव टेस्ट शो करता है। और यहाँ पर हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ट्रांस इफेक्ट का। नाउ आई एम कंक्लूडिंग द लेक्चर कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। ट्रांस इफेक्ट के बारे में आपने डेफिनेशन पढ़ी कि जो ट्रांस इफेक्ट है इट मेक्स दी ट्रांस पोजिशन लिगेंड मोर लेबलाइज सो दैट दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेट विल इंक्रीज। So we have seen that this trans effect is also called as labelizing effect or trans labile effect. Or we have seen the trans effect series. हमने trans effect series भी पढ़ी जहाँ पर देखा जो pi acceptor ligands होते हैं उनकी जो tendency होती है trans effect show करने की वो सबसे अधिक होती है और sigma donor ligands की सबसे कम होती है। देन हमने ट्रांस इफेक्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा और जो मेन एप्लीकेशंस हैं ट्रांस इफेक्ट की वो क्या हैं। दो मेन एप्लीकेशंस हैं, एक तो सिंथेसिस में डिफरेंट आइसोमर्स सिंथेसिसाइज करने में और दूसरा है टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो दो मेन हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी। सिंथेसिस में हमने डिफरेंट सिंथेसिस देखी और वहाँ पर वी हैव सीन दैट जो सिंथेसिस हमें करनी है उसके लिए आइदर वी कैन चेंज द रिएक्टेंट द ओरिजिनल रिएक्टेंट और वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग लिगेंड। तो या तो हम जो ओरिजिनल रिएक्टिंग स्पीसीज है उसको बदल दें या फिर हम जो ऑर्डर लिगेंड का है रिएक्ट करने का इनकमिंग लिगेंड का उसको चेंज कर दें, देन वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोमर्स। Then we have seen that one more application of this trans effect is the distinguishing cis and trans isomers. So this can be done by the Kornakov test. So ये जो trans effect है ये helpful है cis and trans isomers को distinguish करने के लिए Kornakov test की help से। This is all about the trans effect. In the next lecture we will study about the theories of trans effect. So thank you very much.